शिमला शहर में फुटपाथ का कितना महत्व है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। शहर के ज्यादातर हिस्सों में लोग पैदल ही चलना पसंद करते हैं। सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से शिमला में फुटपाथ की क्या हालत है ये जानने के लिए ईटीवी की टीम ने धरातल पर जाकर जांच पड़ताल की। हमारी टीम ने पाया कि शिमला के लोग फुटपाथ की सुविधा ना होने की वजह से काफी परेशान हैं। यही चाहते हैं, पब्लिक भी चाहती है कि यहाँ पे अपना फुटपाथ बने ताकि यहाँ के लोगों को एक चलने के लिए जो डर लगता था गाड़ियों से, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कटिंग भी हो रही है, रोड भी यहाँ पे जहाँ जहाँ वाइडनिंग की जरूरत थी वो वाइडनिंग भी हो रही है। लेकिन सर जो यहाँ पे बात कर रहे हैं सर फुटपाथ सर बहुत एक सर बहुत कम है सर, जगह स्पेस बहुत कम है और चलने में बहुत मुश्किल है सर। जिस ये गड्ढे वगैरह आजकल बरसातों में है सर काफी दिक्कत है सर आना जाने में सर। शहर की कुछ मुख्य जगहों जैसे संजौली और लोअर बाजार की बात करें तो यहाँ पर फुटपाथ की सुविधा फिलहाल तो ना के बराबर है। लोअर बाजार में तो लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, वहीं संजौली की बात करें तो यहाँ से IGMC तक 14 करोड़ की लागत से फुटपाथ बनाया जा रहा है। संजौली बाजार है तो उसका अभी तक कोई भी सलूशन नहीं है क्योंकि आप देखेंगे अगर रश इतना ज्यादा है वहाँ तो वहाँ भी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है, चाहे ओवरहेड बनाए जाए, चाहे जहाँ जो है दुकानें हैं उनको पीछे हटाया जाए। प्रशासन की ओर से जगह जगह फुटपाथ का दावा तो किया जा रहा है लेकिन धरातल पर ये दावे खोखले ही नजर आते हैं। काफी जगह फुटपाथ का काम आपने देखा होगा शहर में चल रहा है, जैसे कि सेंट एडवर्ड्स के पास चल रहा है, टॉलेंट के पास चल रहा है और हम प्रयासरत हैं कि लोगों को चलने की अच्छी सुविधा मिले। शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आता है शिमला। फिलहाल सिटी तो जरूर है लेकिन स्मार्ट सिटी कब तक बन पाएगी ये कहना जरा मुश्किल है। भारत के लिए शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट।